यादव व सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिवस के अवसर पर गरीब कन्याओं को साइकिल का वितरण किया गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का मथुरा में 48वां जन्मदिन मनाया गया। मथुरा में नरसी बिहार कॉलोनी में स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जिलाध्यक्ष लोकमणिकांत जादौन के नेतृत्व में समी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन मनाया, जिसमें कार्यकर्ताओं के द्वारा केक काटकर एक दूसरे को खिलाया गया एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की दीर्घायु की कामना की। जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर सपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा गरीब बेटियों को साइकिल वितरित की गई। इस उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष लोकमणिकांत जादौन सहित चौधरी मान सिंह प्रधान जी, जिला महासचिव शिव कुमार यादव, उपाध्यक्ष एवं समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। बताए थे कौन सी जगह पे अखिलेश यादव मनाया गया? आज नरसी विहार कॉलोनी में जिला कार्यालय समाजवादी पार्टी पर 47वां जन्मदिन अखिलेश माननीय अखिलेश यादव जी का मनाया गया है, जिसमें पूरे जिले के कार्यकर्ता व पूरे जिले की जनता लगभग सैकड़ों आदमी यहां मौजूद हैं और वो 47 साइकिलें छात्राओं को वितरित की गई है। देखिए, अखिलेश यादव जी की आज 47वीं वर्ष पूरी पूर्ण हो चुकी है, 48वीं चल चुके हैं, तो हमने उन्हीं वर्ष जन्मदिवस यहाँ मनाया नरसी विहार फेज 3 में, जो पार्टी कार्यालय समाजवादी पार्टी कार्यालय। और सबसे पहले मैं हार्दिक बधाई देता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि उनकी दीर्घायु हो और ऐसे ही दिन दूनी रात चौगुनी करते रहें और आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जो साइकिल वितरण की गई है, कितने लोग? देखिए, आज 47 वर्ष पूर्ण हुए तो हमने 47 साइकिल ही बांटी हैं। सभी बच्ची जो गरीब है, निर्धन है, जिसके पेरेंट्स के पास व्यवस्था नहीं है स्कूल ले जाने की, तो ऐसी बच्चियों को हमने यहाँ साइकिल वितरण किया है। और क्या कहना चाहेंगे? और आज के लिए कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार 2022 में आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और हम भी आपके साझेदारी में शामिल होंगे। हम भी यहाँ से मथुरा से कम दो विधानसभा सीट निकाल के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का 48वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं नरसी विहार 100 करोड़ फेज 3 में, जहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय उसी के प्रांगण में या पार्क में मनाया जा रहा है। उसमें कि यहाँ गरीब पिछले वर्ग की जो बिटिया हैं, गुड़िया हैं, लड़कियां हैं, उनको हम यहाँ 47 साइकिल वितरित कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा आयोजन आज के शुभ अवसर पर जो है रक्तदान का हो रहा है। और जो है एक उसके साथ ही साथ यहाँ जितने भी प्रांगण में आए हुए पत्रकार बंधु या नौजवान साथी हमारे व्यापारी बंधु हैं, उन सब के लिए उनके स्वल्पाहार की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हमारा एक संकल्प लिया गया कि 2022 में उत्तर प्रदेश से यहाँ मथुरा जनपद से समाजवादी पार्टी के एक विधायक की सीट यहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश की झोली में जाने का काम, क्योंकि जब से समाजवादी पार्टी का निर्माण हुआ है यहाँ से समाजवादी पार्टी की कोई सीट नहीं निकल पाई है। तो एक संकल्प लिया गया है और भाजपा के जो पिछले 5 साल के जो कार्य रहे हैं उससे जनमानस में इतने ही उनके खिलाफ इतना जनविरोध है कि उनके नेता गांव देहात कस्बों में नहीं जा पा रहे हैं। व्यापारी, किसान, नौजवान, मजदूर सभी लोग परेशान हैं। तो उस कारण से हमारा पूरे जनपद में जन आक्रोश का जो हमारी समाजवादी पार्टी को उसको फायदा हो रहा है। निश्चित रूप से 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, अखिलेश यादव जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और विकास का पहिया पुनः चलेगा। एक जातिवाद और धर्म के नाम पर रुका हुआ विकास का पहिया ये पुनः जागृत होकर और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय अखिलेश यादव।